गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट जैसे कि हमको पता है दोनों ही क्लींजिंग एजेंट के तरीके से यूज किए जाते हैं। क्लींजिंग एजेंट मीन्स जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो वाटर से जो भी आपकी चीजें डस्ट डर्ट ग्रीसी पार्टिकल उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो कुछ सिमिलरिटी भी होती है सोप्स में और डिटर्जेंट, कुछ डिफरेंसेस होते हैं तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पढ़े सोप्स, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो सोप्स होते हैं अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होगा, इसमें हमने लॉन्ग चेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक लॉन्ग चेन होती है। यहां पर कम से कम जो आपकी लॉन्ग चेन होगी उसमें कार्बन के 15 एटम से ज्यादा होने चाहिए। अब यहां पर अगर हम इसको शो कर रहे हैं तो ये जिगजैग जो शो करने का मतलब है कि अगर यहां पे देखें तो ये सभी क्या है, यहाँ पे कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं जिगजैग मूवमेंट में। तो हमको यहाँ पे ऐसे शो नहीं करना है, हम सिर्फ इसको डायरेक्टली लॉन्ग चेन बस दिखा देंगे। तो ये आपकी लॉन्ग चेन इस तरीके से बनी होती है, एक पार्ट हो गया लॉन्ग चेन और फिर क्या हो गया लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पहले पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सी, अगर हम इसको आर पार्ट मान ले, पूरी चेन जो है वो आर हो गया तो क्या हो जाएगा COOH। ठीक है, तो ये जो COOH है ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या कर लेगा सॉल्ट जब बनेगा तो क्या करेगा एसिड, जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है ना, तो यहां पर ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके यहां पर एनए से जब रिएक्ट करेगा तो एनए एच की जगह में आ जाएगा और ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट मीन्स यहाँ पे एनए प्लस बन जाएगा और ये माइनस पार्ट, तो ये प्लस पार्ट और माइनस पार्ट जहां पे आपका आ जाएगा। तो ये जो होगा अब इसको हम पढ़े तो फिर क्या हो गया सोप्स आर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम सोडियम और पोटेशियम। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे सोडियम की जगह हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, अगर हमने मान लीजिए COO के ले लिया तो के को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये आपका इस तरीके से आपका आप यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमको एक ही सॉल्ट लेके पढ़ते हैं, तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। तो ये हमारा क्लियर हो गया सोप्स क्या होता है। उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को भी हम ऐसी एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ना। तो डिटर्जेंट में क्या होगा, डिटर्जेंट्स में भी लॉन्ग चेन होती है। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड था लेकिन यहां सल्फोनिक एसिड है। तो सबसे पहले तो हम एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, इस तरीके से जो हमारी लॉन्ग चेन बनेगी वो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करती है ना, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को हमको सिर्फ लॉन्ग चेन के थ्रू दिखाना है। तो हमने ये लॉन्ग चेन बना दी और ये लॉन्ग चेन किससे जुड़ेगी सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड के लिए क्या होगा SO3H हो सकता था लेकिन हम क्या करेंगे H को रिप्लेस करके, क्योंकि सॉल्ट है ना, तो यहां पर अगर क्या बनाएगा SO3 माइनस और इसमें सोडियम या अमोनियम सॉल्ट हो सकते हैं। तो सोडियम या अमोनियम सॉल्ट लेना था तो हमने सोडियम सॉल्ट ले लिया है। तो ये वाला ये दो पार्ट हो गया, देखिए एक ये पार्ट हो गया और दूसरा हो गया ये वाला पार्ट। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, अब ये हो गया एक लंबा सा पार्ट है ना, तो ये कौन सा पार्ट बनाएगा टेल पार्ट, इसको हम कहेंगे टेल पार्ट, और ये वाला जो है वो हेड पार्ट बनाता है, तो इसने बना लिया हेड पार्ट। तो इस तरीके से जो ये लॉन्ग चेन है तो ये वाला इसको पार्ट को कहते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। यहां पर जो भी आपने दिया है अब इसका नेचर अलग होगा और ये वाला कौन सा है, ये नॉन आयनिक पार्ट है और ये आयनिक पार्ट है ना, तो ये हो जाएगा शॉर्ट आयनिक पार्ट। ठीक है, तो ये आयनिक पार्ट हो गया छोटा है और ये लंबा है हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि नॉन आयनिक है। अब इन दोनों के नेचर भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, देखिए इसका नेचर कैसा होता है, इसका जो नेचर होगा वो होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक देखिए हाइड्रो मीन्स वॉटर, ठीक है, और फोबिक मीन्स जो दूर जाए, ठीक है, जो पानी को बिल्कुल नहीं, पानी से दूर भागने का कोशिश करता है, तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। और ये कैसा है होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तो ये हाइड्रो से बना है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक, फिलिक मीन्स लविंग या अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये कभी भी जब हम पानी में आप इस इनको डिटर्जेंट्स को या आपने डिटर्जेंट या सोप को डब डाला तो क्या करेगा, या तो वो दो पार्ट होंगे दोनों दोनों में से क्या करेगा, ये वाला पार्ट वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या करेगा वाटर रिपेलेंट का काम करेगा। तो
तो ये क्या करता है, दूर जाने का काम करता है, पानी से बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती नहीं करेगा, पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा, एकदम दूर दूर रहेगा, और इस वजह से ये क्लीनिंग का पार्ट का काम करता है। और ये जो दूसरा पार्ट होता है, इसी का दूसरा पार्ट होगा, ये क्या होगा, वाटर लविंग पार्ट होता है, तो इसको कहते हैं वाटर अट्रैक्टिंग, है ना। तो ये क्या करता है, वाटर से अट्रैक्ट करता है, तो ये हमेशा वाटर से जुड़ के रहने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के अलग अलग नेचर की वजह से ही जो हमारी गंदगी होती है, जो भी कपड़ों में या किसी भी तरीके का ऑयल ग्रीस पार्टिकल होता है, उसको क्लीन करने में ये इन दोनों की जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर है उसका बहुत बड़ा मदद होती है। इसको वाटर रिपेलिंग को हम वाटर हेटिंग भी कह सकते हैं, है ना। तो वाटर से ये बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वाटर से दूर रहने की कोशिश करता है, और इसका हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये वाटर के एकदम जुड़ के रहने की कोशिश करता है। तो इन दोनों नेचर की वजह से ही इनका क्लीनिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो वो कैसे होती है, अब इसको हम आगे देखते हैं ना। फिर से एक बार क्लियर हो गया है आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड आर डिटर्जेंट। अब ये कैसे काम करते हैं इसको हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिसिल के बारे में, है ना। तो मिसिल क्या होता है, मिसिल ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये है मिसिल। अब ये कैसे हुआ, तो इसमें दो पार्ट है। देखिए हमने क्या देखिए, ये क्या है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। ये ऑयल ड्रॉपलेट अगर है तो उससे किस तरीके से सोप के इतने सारे, ये सभी सोप के मॉलिक्यूल है। हमने अभी पढ़ा सोप में क्या होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं ना, सोप के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक टेल पार्ट होता है और एक हेड पार्ट होता है। तो ये वाला आपका हेड पार्ट हो गया और ये टेल पार्ट हो गया। अब ये क्या करता है, इसको तो पानी के साथ रहना पसंद है, हमने पढ़े थे अभी, हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन हाइड्रोफोबिक होने के साथ साथ ये क्या करता है, इसकी एफिनिटी होती है, एफिनिटी टू ऑयल, ऑयल और जितना भी डस्ट पार्टिकल डस्ट डर्ट होगा उसके उससे इसकी जो आपकी टेल पार्ट है एफिनिटी होती है। तो ये क्या करता है, पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा लेकिन ऑयल या जो भी गंदगी उससे पास में रहने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, जुड़ जाता है ऑयल पार्टिकल से या जो भी आपके डस्ट पार्टिकल। तो ऑयल पार्टिकल अगर हमने लिया है तो इस तरीके से यहाँ पे जो टेल है वो यहाँ जुड़ जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर इस तरीके से जुड़ जाते हैं, और उसका जो हेड पार्ट है वो पानी से दूर जाने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा वो, इस पार्टिकल को इस तरीके से ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसपे एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, है ना। तो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर है ना सोप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो क्लस्टर होता है मॉलिक्यूल्स का जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ है, अंदर है, और ये जो आयनिक पार्ट है वो कहाँ है, बाहर है। इसी को कहते हैं मिसल्स। देखिए ये लिखा है कि नहीं, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इंटीरियर। तो हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर है ऑफ द क्लस्टर एंड आयनिक एंड्स आर ऑन द सर्फेस। आयनिक एंड्स सर्फेस पे है। तो ऐसा क्लस्टर जहां पर हाइड्रोफोबिक टेल अंदर होगी और आयनिक एंड्स बाहर होंगे उसको कहा जाएगा मिसल, है ना। अब हम देखेंगे ये कि मिसल काम कैसे करता है। तो मिसल को अगर हम देखें, अगर हमने मान लीजिए कोई सरफेस लिया है और इस पे ऑयल का, सॉरी इस तरीके का ऑयल का कोई ड्रॉपलेट है ना, और हमने क्या किया वहां पर सोप डाल दिया, तो सोप के कैसे होंगे, इस तरीके से एक हेड टेल ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल जो होंगे सोप के मॉलिक्यूल है, तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से उस पे लिक्विड के अंदर होंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये कैसा होता है, हमने अभी देखा था ये वाटर से दूर जाने की कोशिश करता है टेल पार्ट, लेकिन इसकी एफिनिटी होती है टेल पार्ट की, क्या एफिनिटी होती है, टेल पार्ट की एफिनिटी होती है ऑयल के साथ, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि ऑयल पार्ट से जुड़ने की। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप है इस तरीके से, यहां पर ये जो ऑयल पार्टिकल है इससे जाके ये आपकी जितनी भी टेल है वो जुड़ जाएंगी। तो यहां पर ये ऐसे जुड़ गई और इन्होंने क्या किया, अब पूरी कोशिश की, ये तो जाके एफिनिटी की वजह से जुड़ गई, लेकिन ये जो आपका हेड पार्ट है इसकी क्या एफिनिटी होती है, वाटर के साथ जाने की कोशिश करता है, इसलिए ये क्योंकि बहुत सारे हेड है तो इसको वाटर की तरफ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये यहां पर इस तरीके से इस पूरे जो आपके ऑयल पार्टिकल था उसको सरफेस से डिटैच कर देंगे, सरफेस से अलग कर लेंगे और यहां पे फॉर्म हो जाएगा आपका मिसल, ठीक है। तो ये आपका अब हो गया फॉर्म मिसल। ये जो मिसल फॉर्म हुआ है, ये मिसल, एक मिसल ऐसी बहुत सारे मिसल फॉर्म होंगे, मतलब जो गंदगी होगी आपकी ऑयल पार्टिकल उससे सराउंडेड एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये मिसल दूसरे भी आपके इस तरीके से यहाँ पे मिसल होंगे,
तो उन मिसल से क्या फर्क होगा, ये कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं क्योंकि इनका आप देखिए यहां पर क्या है, आयन आयनिक पार्ट ऊपर है, यहां भी आयनिक पार्ट ऊपर है, तो आयन आयन रिपल्शन की वजह से ये जो कोलाइड अभी ने क्या बना दिया, मिसल्स क्या फॉर्म करते हैं, कोलाइड, ठीक है। तो ये मिसल्स फॉर्म करते हैं कोलाइड का, तो ये सभी क्या है, कोलाइड के फॉर्म में होंगे। अब ये सभी कोलाइड कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। प्रेसिपिटेट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, आयन आयन रिपल्शन, ये वाले आयन दूसरे आयन से के बीच में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं और प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो इस वजह से ये पानी में बने रहते हैं कोलाइडल फॉर्म में, और जब हम रिंस करते हैं तो रिंस करने के समय में ये गंदगी को पानी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम होता है मिसल्स का, और इस वजह से सोप और डिटर्जेंट जो करते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्कम के बारे में। तो जब हम हार्ड वाटर लेते हैं और हार्ड वाटर में सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ मिलकर एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, उस प्रेसिपिटेट को कहते हैं हम स्कम। अगर हम उसको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, और बीकर में हम क्या करते हैं, इस बीकर में हम हार्ड वाटर ले लेते हैं। हार्ड वाटर मीन्स जहाँ पर कैल्शियम के आयन और भी आयन हो सकते हैं, हम यहाँ पे दो ले रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयन प्रेजेंट होते हैं तो इम्प्योरिटी के रूप में, तो ये क्या करते हैं, सोप का अगर हम इसमें यहाँ पे सोप ले रहे हैं तो सोप के सोप हम उसमें डालेंगे। अब हार्ड वाटर में, ये पहले से हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में जब हम सोप डालेंगे तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, क्योंकि ये सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ एक प्रेसिपिटेट बनाती है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, कर्डी, आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा कि ये सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है पानी, जब थोड़ा खारा पानी कहते हैं जनरल भाषा में, तो ये कर्डी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना ही, इस कर्डी प्रेसिपिटेट को हम कहते हैं स्कम, ठीक है। तो ये कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है, अब ये बनता है सोप के साथ। अब हम सेम अगर केस लें कि अगर हमने हार्ड वाटर लिया है, और हार्ड वाटर लेके अगर हम इस तरीके से हार्ड वाटर ले लेते हैं, और हार्ड वाटर लेके अब यहाँ पर हम सोप की जगह क्या डाल देंगे, अब हम यहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ करेंगे। डिटर्जेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी, क्योंकि हार्ड वाटर है तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन तो है प्रेजेंट, लेकिन अब डिटर्जेंट यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, मीन्स नो स्कम, है ना। तो यहाँ पे कोई स्कम नहीं बनेगा, और ये क्या बनाएगा, बहुत सारा झाग बनाएगा इस तरीके से, है ना। तो आपने देखा होगा जब हम साबुन वगैरह जब डालते हैं डिटर्जेंट पानी में, तो किस तरीके से लेदर फॉर्म करता है, तो यहाँ पे लेदर फॉर्म होगा, तो ढेर सारा लेदर फॉर्म होता है। और ये जो लेदर होता है, ये आपका शो करता है कि यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए आप ये लेदर फॉर्म करना शो कर रहा है कि ये, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेदर जो आपका पानी है वो खारा है या नहीं है, मीन्स आपका वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप अगर सोप में थोड़ा, अगर आपने हार्ड वाटर या सोप डाला तो आप और डालेंगे फिर और डालेंगे, तो बहुत सारा सोप का वेस्टेज होता है। अगर आपने हार्ड वाटर लिया हुआ है और आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्कम बनने की वजह से आपका बहुत सारा सोप जो होता है वेस्ट होता है। लेकिन सेम इन उसी केस में अगर आपने हार्ड वाटर लिया है और उसमें आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोई स्कम नहीं फॉर्म होगा, तो आपका वेस्टेज कम होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी हार्ड वाटर में सोप की जगह डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये एक वजह होती है कि क्यों हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर में, क्योंकि डिटर्जेंट कभी भी हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में कोई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो कोई स्कम फॉर्म नहीं करता, इसीलिए हम हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, जबकि सोप का इस्तेमाल नहीं करते। इसी में एक और क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आपको चेक करना है, टू चेक, है ना, अगर आपको चेक करना है कि पानी हार्ड है, यानी वाटर आपका हार्ड है या सॉफ्ट है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सोप इस्तेमाल करेंगे या डिटर्जेंट इस्तेमाल करेंगे, सोचिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हमको चेक करना है तो हम सोप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हमने डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया तो वो तो दोनों में ही सेम लेदर फॉर्म करेगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। लेकिन यदि हम सोप इस्तेमाल करते हैं और उसमें स्कम फॉर्म हो रहा है, मींस वो हार्ड वाटर है, और अगर उसमें स्कम फॉर्म नहीं हो रहा है, मींस वो सॉफ्ट वाटर है, तो इस तरीके से हम
चेक करने के लिए कि आपका वाटर हार्ड है या सॉफ्ट, वह यहाँ पर सोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सोप और डिटर्जेंट डिफरेंस क्या है। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, तो जो भी सोडियम और पोटेशियम के हायर फैटी एसिड्स होंगे वो सोप होंगे, जबकि डिटर्जेंट में क्या होगा, डिटर्जेंट में सोप, ये डिटर्जेंट जो होगी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा ये फैटी एसिड्स हैं जबकि ये सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स के हायर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सोप्स स्कम फॉर्म करते हैं जबकि डिटर्जेंट स्कम फॉर्म नहीं करते हैं। सोप का जो आयनिक पार्ट है वो क्या होता है, COO-Na+। ठीक है, तो ये COO-Na+ आप फॉर्म करेंगे, जबकि आयनिक पार्ट डिटर्जेंट के जो होते हैं वो होते हैं SO3-Na+। ठीक है, एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सोप्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं किसके, वेजिटेबल या एनिमल फैट्स के। तो क्योंकि ये एनिमल या वेजिटेबल फैट्स होते हैं इस वजह से ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको जो इंसेक्ट्स होते हैं या आपके, तो वो सभी माइक्रोब्स इसको डिग्रेड कर देते हैं, तो ये कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा सोप। लेकिन डिटर्जेंट क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और इस वजह से पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो डिटर्जेंट की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम का एग्जाम्पल है सोडियम सिट्रेट, जबकि डिटर्जेंट के एग्जाम्पल में है सोडियम ल्यूरियल सल्फेट। तो यहाँ पे हमारा सोप से डिटर्जेंट का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।